इस फिल्म के सामने फेल है बाहुबली और दंगल की कमाई। वेलकम टू ऑल अराउंड इट। बॉलीवुड की फिल्में जहां 100 या 200 करोड़ रुपए के आंकड़े में उलझ ही रहती हैं, वहीं हॉलीवुड की एक फिल्म है जिसने 3 दिन में ही इतनी कमाई कर ली है जितनी हमारी अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्में दंगल और बाहुबली भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं कमा पाए हैं। हॉरर किताबों के राइटर स्टीफन किंग के हॉरर नॉवेल पर आधारित फिल्म इट ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर 12.30 करोड़ डॉलर 787 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म का बजट 3.50 करोड़ डॉलर 224 करोड़ रुपए है। इस तरह फिल्म अपने बजट की 3 गुना कमाई पहले ही हफ्ते में कर चुकी है। दंगल ने 2000 करोड़ रुपए की कमाई थी जबकि बाहुबली का आंकड़ा लगभग 1700 करोड़ रुपए रहा था। इस हॉरर फिल्म को एंडी मुशियती ने डायरेक्ट किया है और यह 8 सितम्बर को भारत में भी रिलीज हुई थी। इससे पहले एंडी ने 2013 में ममा फिल्म बना थी और इस हॉरर फिल्म को भी खूब पसंद किया गया था। फिल्म स्टीफन किंग के 1980 के दशक के लोकप्रिय उपन्यास पर आधारित है और स्टीफन ने फिल्म रिलीज से पहले उन्होंने कहा था, यह फिल्म आपको कुछ अलग एहसास कराएगी और हर लेवल पर आपको देखकर मजा आएगा। इट सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है बल्कि यह उससे कहीं आगे की चीज है। इट फिल्म की कहानी मैने के डेरी शहर की है। यहाँ के बच्चे एक डर का सामना कर रहे हैं। यह डर पेनीवाइज नाम के शैतान जोकर का है जिसका अतीत खून खराबे भरा रहा है। वह अतीत से फिर लौट आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।